ओम शांति। आज की बाबा की साकार मधुर मुरली है 8 अगस्त 2022 की। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा कि बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान और योग से श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। और बाबा से सच्ची प्रीत रखने के लिए कहा कि बाबा से मुहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती है, लेकिन मुहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। फिर और अटेंशन दिलाया कि तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो बाप को कितना न याद करना चाहिए। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा वार्निंग देते हैं, बच्चे एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। इस पर बाबा ने फिर पंडित का मिसाल दिया। और आज बाबा ने मुरली में जो गीत बजते हैं उसके आधार से सेवा करने के लिए कहा। उस गीत की एक एक लाइन का अर्थ समझाते जाएंगे तो बच्चों का मुख खुलता जाएगा। फिर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी है। कईयों को तो घमंड आ जाता है, कई बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। और आथत देते हुए कहा कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किया है, अब वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दिवे जग रहे हैं। भगवान वाच तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। और लास्ट में बाबा ने याद से श्रेष्ठ प्राप्ति बताई कि देह का अभिमान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। शरीर का भान छूट जाने से वह हवा मिसल उड़ते रहेंगे, अर्थात याद की ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना। आज मुरली से प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर है, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मुहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने वाले की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। अभी सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है, साकार द्वारा बाप की मत लेनी है, एक परमात्मा माशुक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरा, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है, सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, माया की बड़ी बातों को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बातें सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएंगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेंगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजय बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएंगी। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएंगी। अच्छा,
मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।